धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ए जोड़ा प्यासे नैना दा नित तक तक तेनू रजदार रहे, ए जोड़ा प्यासे नैना दा नित तक तक तेनू रजदार रहे, तेरे प्यार च बैंदे हंजुआ दा हड़ दून सवाया बगदार वे, ए जोड़ा प्यासे नैना दा। सुपने विच तेरे कदमां ते ए शीश निमाना चुकदार है, मस्ती बिच गावा गुण तेरे अनहद दा मधुर सुर बजदार है, ए जोड़ा प्यासे नैना दा तक तक तेरे प्रीत फुहारे नू पत्थरा बिच भी नरमी आ जाए, जग देखे अंग अंग नच देनू ना डर दुनिया दी लजदार है, ए जोड़ा प्यासे नैना दा। आप चलाई तेरे हुक्म तो बाहर ना होवा, जो कम इस दर ते नहीं पब दे, जो कम इस दर ते नहीं पब दे, मन ओना कमा तो पजदार है, ए जोड़ा प्यासे नैना दा नित तक तक तेनू रजदार है, तेरे प्यार च बैंदे हंजुआ दा, तेरे प्यार च बैंदे हंजुआ दा हड़ दून सवाया बगदार है, ए जोड़ा प्यासे नैना दा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी राम मेहर और नरेश जी इंसान भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इंसान भजन सुनाएंगे जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। मैं तेरी याद नहीं, दिल वो आबाद नहीं जिसमें तेरी याद नहीं, और है वो काफिर जो तेरी राह में आबाद नहीं, वो काफिर जो तेरी राह में आबाद नहीं, ए मेरे सतगुरु तेरे दम से है तामीर हयात, और तू सलामत है तो मिट्टी मेरी बर्बाद
दर्द नहीं। जिस दिल में गुरु की याद नहीं शमशान उसे हमें कहते हैं। जिस दिल में गुरु की याद नहीं शमशान उसे हम कहते हैं। भूला है जो अपने मालिक को है मान उसे हम कहते हैं। जिस दिल में गुरु के अरे 420 इंसानों से इंसान नहीं है वान है वो इंसान नहीं है वान है वो इंसान नहीं है वान है वो जो कमाए इंसानों के इंसान उसे हमें कहते हैं। जिस दिल में गुरु के याद नहीं समझान उसे हम कहते हैं। हर कलम में चतुर सुजान हुआ गुण सीख बड़ा गुणीवान हुआ जी गुण सीख बड़ा गुणीवान हुआ गुण सीख बड़ा गुणीवान हुआ। हरि नाम कजित के पास हो गुण गुणीवान उसे हमें कहते हैं। गुरु के याद नहीं है मान उसे हम कहते हैं। तो करोड़ों अरबों के मालिक धनवान है दुनिया में जी मालिक धनवान है दुनिया में मालिक धनवान है दुनिया में। हरि नाम का जिसके पास हो धन धनवान उसे हम कहते हैं। जिस गुरु के याद नहीं समय शान उसे हम कहते हैं। भक्ति में सदा जो लीन रहे कहते हैं सेवक भक्ति उसे जी कहते हैं सेवक भक्ति उसे कहते हैं सेवक भक्ति उसे। रक्षा जो करे नित भक्तों की रक्षा जो करे नित भक्तों की भगवान उसे हम कहते हैं। जिस दिल में गुरु की याद नहीं सम जान उसे हम कहते हैं। भूला है जो अपने मालिक को है मान उसे हम कहते हैं। जिस दिल में गुरु की याद नहीं धन धन सतगुरु कह रही है सर। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जेड़ी दर साई दा मल लेंदी है जेड़ी दर साई दा मल लेंदी ओहो सदा सुहागण रहंदी ए ओहो सदा सुहागण रहंदी ए सदा सुहागण रहंदी ए ओहो सदा सुहागण रहंदी ए। तेरी इश्क दी झांझरे पाके रब दे नां दा संदूर लगा के संदूर लगा के संदूर
शकनों वाला चूड़ा पाके शकनों वाला चूड़ा पाके नई हथों ते मेहंदी ओहो सदा सुहागण रहंदी सदा सुहागण रहंदी सदा सुहागण रहंदी इको खसम बनाया जिसने सच्चा न्यों लगाया जिसने सच्चा न्यों लगाया जिसने यार चो ही रब पाया जिसने यार चो ही रब पाया जिसने मोला मोला के दिए ओहो सदा सुहागण रहंदीए सदा सुहागण रहंदीए ओहो सदा सुहागण रहंदीए सतगुना बिना सतगुर बिना न कोई पावे उसनू ख्याल गैर दाना आवे उसनू ख्याल गैर दाना आवे उसनू इक दा प्यार न चावे उसनू इक दा प्यार इक दा प्यार न चावे उसनू पिया पिया पई कहंदी ए सदा सुहागण रहंदीए सदा सुहागण रहंदीए चढ़ी रहे हर वक्त खुमारी करके रखे सदा मस्त खुमारी शाह सिद्ध नाम जी वाली जबरदस्त खुमारी शाह सिद्ध नाम जी वाली जबरदस्त खुमारी दो ही जहानी ना लेंदी ओ सदा सुहागण रहंदी सदा सुहागण रहंदी जेड़ी दर साई दा मल लेंदी दर साई दा मल लेंदी ओहो सदा सुहागण रहंदी सदा सुहागण रहंदी सदा सुहागण रहंदी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा मालिकी सजनवा जी प्यारी सत्संग जीओ मुरीद शिष्य जब उस परमपिता परमात्मा के प्यार में मोहब्बत में चला करता है तो जैसी उसकी भावना जैसी उसकी श्रद्धा ज्यों ज्यों बढ़ती जाती है त्यों त्यों उस पर उस सतगुरु माला का रहमो करम मूसलाधार बरसता नजर आने लगता है। रूहानियत में सूफियत में भावना की बहुत महत्ता है। जिनकी भावना शुद्ध होती है जिनकी भावना प्रबल होती है वो अल्लाह मालिक राम पिया को पा जाया करते हैं। और उसकी कृपा को उसकी रहमत को पाने के लिए इंसान को ना तो पैसे की जरूरत रहती है ना अलग दिखावे की जरूरत रहती है ना ही कोई भेषभूषा की जरूरत रहती है।
जो अपने परमपिता परमात्मा को पाना चाहते हैं वो उसके नाम का कलमा अभ्यास करते हैं, उसके नाम का जाप किया करते हैं और उसके नाम से उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मालिक के प्यार में इंसान खो के भी सब कुछ पा जाता है। रूहानियत में जो डूबता है वो तैर जाता है और जो तैरता है वो डूब जाता है। यानी जितनी दीनता, नम्रता, दया इंसान अपने दिलो दिमाग में रखता है उतना ही वो अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु मौला की निगाह में ऊपर उठ जाता है। जितना अहंकार, खुदी, झूठ, कपट का सहारा लेता है उतना ही वो नीचे गिर जाया करता है। तो इस संसार में लोग तैरते हैं झूठ के सहारे, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार के सहारे, छल कपट के सहारे। बड़ा उनका नाम, बड़े लोग, उनको अदब, बड़ा कुछ होता है लेकिन आखिर में ऐसा डूबता है वो कि कुलें डूब जाती हैं। दया, रहम, दीनता, नम्रता जिनके गहने होते हैं वो एक दिन जरूर परमपिता परमात्मा को पा जाया करते हैं। तो इसलिए दया रहम की भावना अपने अंदर रखो, दया रहम को अपनाओ और उस परमपिता परमात्मा के अगर कोई पतिव्रता बने तो बारे न्यारे हो जाए। पतिव्रता किसे कहा जाता है? क्योंकि हमारी संस्कृति है, हमारे देश की सभ्यता है, होना यह चाहिए कि पतिव्रता और पत्नी व्रता भी होना चाहिए। एक ही क्यों, दूसरा क्यों नहीं? एक सारा टाइम दूसरे इंसान के लिए तड़पता है, भावना रखता है, तो दूसरे को भी उस भावना की कदर करते हुए वैसा ही होना चाहिए। तो पुराने समय की एक सच्ची बात आपको कई बार सुनाया करते हैं कि एक बादशाह बहुत प्यार करता था अपने बगीचे से। बहुत सुंदर पेड़ थे, खूबसूरत फल लगते थे और एक पेड़ ऐसा था बादशाह जिसके पास जाके अपनी भड़ास निकाल लेता था या अपनी बातचीत उससे साझी करता था। बहुत प्यार था, बहुत मोहब्बत थी उससे, जरूर उसके पास जाके बैठता था। लेकिन अचानक क्या हुआ, वो पेड़ सूख गया, सूखना शुरू हुआ और सूखता चला गया। तो उनके गुरु थे बादशाह के, राजा के, वो आए तो बादशाह को उदास देखा, कहते आप उदास क्यों हैं? कहता मेरा सबसे अच्छा जो दोस्त था उसका ये हश्र हुआ है, ये कैसे ठीक होगा? गुरु मुस्कुराए, कहते कोई बात नहीं, कोई पतिव्रता औरत हो, उसके पास छोटा बच्चा हो, उसको फीड देती हो, दूध देती हो, उसके दूध को पानी में मिला के अगर इस पे छिड़काव कर दिया जाए तो ये फिर से हरा भरा हो जाएगा। राजा ने हाथ जोड़ दिए, गुरुजी हम कहां से लाए हैं पतिव्रता, हमें क्या पता कौन पतिव्रता है, आप गुरु हैं, फकीर हैं, आप कृपा कीजिए। तो उसने कहा कि बादशाह आपके फलां जगह पे एक मशहूर है औरत, आप उसको बुला लें। औरत को बुलाया, छोटा बच्चा था, उसने वो बच्चे को दूध देते देते दो बूंदे चार बूंदे पानी में डाल दी, पानी का छींटा दिया गया, कहते सारा पेड़ हरा हो गया लेकिन एक टहना, एक बहुत बड़ा टहना ज्यों का त्यों सूखा रहा। बादशाह को बड़ा दर्द हुआ, कहने लगा गुरुजी ये देखिए कितना सुंदर पेड़ है, सारा हरा भरा हो गया लेकिन ये जो एक टहना है ये बड़ा ही गंदा लगता है, ये ऐसा क्यों हुआ? गुरुजी मुस्कुराए, कहते बहन से पूछ लेते हैं,
कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस लिए हुआ। तो उन्होंने उसे बुलाया, पूछा, संत कहने के बेटा ये बताओ ऐसा क्यों हुआ। कहने लगे गुरुजी मुझे क्षमा करना, मैं पतिव्रता हूं, इसमें कोई दोराय नहीं। एक दिन शाम का समय था, मैं अपने बच्चे के साथ खड़ी थी जो बड़ा बच्चा है, थोड़ी धुंध थी, थोड़ा अंधेरा सा छाने लगा था, लाइट थी ऐसा कुछ नहीं था, सूर्य था अभी। तो सामने से एक आदमी आ रहा था जो बिल्कुल मेरे पति जैसा था। मैंने बच्चे को कहा देखो तेरे पापा आ रहे हैं, लेकिन जब वो नजदीक आया तो वो कोई और था, वैसे डिलडॉल, वैसे शरीर, सब कुछ वैसी चाल। तो वो एक धब्बा मेरे पतिव्रता पे लगा, जिसकी वजह से ये हरा भरा पेड़ तो हरा हो गया लेकिन एक टहना सूखा रह गया। तो भाई उस परम पिता परमात्मा सदगुरु मौला का जो कोई हो जाता है उसके दिलो दिमाग में किसी और के लिए वो जगह नहीं रहती जो अपने सदगुरु मौला के लिए होती है। सारी भावना सर्वश्रेष्ठ भावना, सबसे ज्यादा प्यार मोहब्बत वो अपने अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु मौला को करता है, उसे कहा जाता है रूहानियत में पतिव्रता। ऐसा कोई बने, ऐसा बन के कोई चले तो यकीनन उसकी कुलें तक का उद्धार होता है और उसके ऊपर मालिक का रहमो करम बरसता उसे नजर आता है। आखिर एक दिन नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं और जर्रे जर्रे में कण कण में वो सदगुरु के नजारे नजर आने लगते हैं। तो यहां तक दुनियावी तौर पे है, लोग करवा चौथ रखते हैं, सुबह सवेरे चूरमा ठोक लेते हैं, 10 दिन का भोजन 2 घंटों में रगड़ देते हैं और सारा दिन खाली पेट रह के दिखाना, और फिर दिन में भी फ्रूट वगैरह लाओ जी, ये लाओ जी, शाम का इंतजाम दोपहर को ही शुरू हो जाता है। और इस दिन दुकानों पे जाके देखो आपको लगेगा ही नहीं, बर्त ऐसे लगता है कि वही खाने पीने का आज कोई कंपटीशन होने वाला है, वहां ढेर लगे पड़े होते हैं साजो सामान के। और फिर बेचारे पति के पैसे जो आम तनख्वाह वाला है, पहले ही सुबह सवेरे ही कई दिनों की रगड़ देती है माता बहने फिर उसकी जो वेतन है तनख्वाह है, और शाम को भी अगर ना ला के दे तो कहते आपको पता नहीं है आपकी लंबी उम्र के लिए कर रहे हैं, बेचारा मरता क्या ना करता, फिर ला के देता है बहुत सारा सामान, बस अभी चंद्रमा निकलेगा और फिर कंपटीशन शुरू होगा खाने का। तो ये हमें समझ नहीं आती, ये व्रत क्या मतलब। व्रत रखो, अगर व्रत सही तरीके से रखोगे तो उसका फायदा भी है कि सारा दिन गुनगुने पानी पे रहो, सुबह कुछ ना खाओ। ये थोड़े ना 3 बजे उठ के पेट इतना भर लेते हैं, इतना तो ऊंट ना उठाए बोरे में वजन, आंतड़ियां इतनी भर जाती हैं उनको हिलने की जगह नहीं मिलती, इसलिए दोपहर को खुराटे मारते हैं माता बहन जो भी कोई व्रत रखता है। और कहां गर्म पानी पे रहना चाहिए, सुबह से कुछ ना लो, ठीक है ताजा पानी फ्रेश वाटर जो होता है गुनगुना तो उस पे रहें, आंतड़ियों की सफाई होती है, परमपिता परमात्मा की याद आती है। और शाम को जब व्रत तोड़ो, जब भी आप तोड़ना चाहो 24 घंटे 12 घंटे के बाद, तो उसके बाद बिल्कुल हल्का फुल्का कोई भोजन लो तो यकीनन वो खाने से शरीर तंदुरुस्त होता है, मालिक की याद आती है। और हमें लगता है कि बहनें रखती हैं तो भाइयों को भी एक दिन रखना चाहिए। क्योंकि अगर पत्नी पति व्रता है तो पति पत्नी व्रता का होने में शर्म क्या है। हम सुना करते थे ये तो पत्नी का गुलाम है, तो इसका मतलब पत्नी आपकी गुलाम रह सकती है, आप नहीं बन सकते। बड़ी हैरानी होती है, गुलाम कोई किसी का नहीं होता, प्यार मोहब्बत का ये रिश्ता होता ना पति ना पत्नी। जब तक विचार मिलते हैं तो सब कुछ ठीक ठाक है,
विचार नहीं मिलते तो कहते गल पे ढोल बजाना पैंदे, वो वाली बात है। सो दोनों को बराबर का हिस्सेदार होना चाहिए। तो जरूरी है कि एक दिन पति महोदय भी व्रत रखें, वो भी उस तरह रहा करें ताकि बराबर का प्यार बराबर। आज हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि दोनों का हक बराबर होता है, पर यहां पुरुष प्रधान समाज है, यहां तो बेइज्जती हो जाती है आदमी की, मूंछे नीचे हो जाती है। अगर वो ये सोच ले कि यार मैं पत्नी से सलाह करूंगा, कोई नहीं कहता बाहर, डरता मारा, कोई बात चल रही हो यार ये काम करना है, कहता सोच के बताऊंगा, ये नहीं कहता कि मैं पत्नी से पूछ के बताऊंगा, डरता मारा कहेंगे ये गुलाम है। गांव में देखा है हमने, बड़े बड़ों को ऐसे होते देखा है, तो इसमें शर्म की क्या बात है? क्या औरतों ने देश पे राज नहीं किया? क्या उन्होंने कई की देशों के हेड नहीं कहलाई? तो क्यों ऐसा क्यों? तो राय लेनी चाहिए घर परिवार में बैठ के, एक जैसा सम्मान करना चाहिए, पुरुष को औरत का, औरत को पुरुष का, दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो गृहस्थ जिंदगी बड़े सुखमय ढंग से गुजरेगी। लोगों का क्या है, अगलाई डबू तक अंत, इनका तो काम ही है उंगलियां लगाना, जो आदमी को देखते बस बस, ताकि वो पीटे उसको। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और रही बात अगर परमपिता परमात्मा के लिए ये चीज आप निभाना चाहें तो प्रेम करना कहना सौखा, निभाना बड़ा औखा, ये तलवार की धार पे चलने की मानिंद होता है। ये नहीं साइयां किते ते बधाइयां किते, एक कहावत है पंजाबी की, लाइयां किते ते बजाइयां किते, ऐसा नहीं होना चाहिए। दृढ़ यकीन के साथ, दृढ़ मोहब्बत के साथ आप आगे बढ़िए। सत्संग बहुत सी है जो हफ्ते में एक दिन व्रत रखती ही रखती है, 24 घंटे का रखती है वक्त, और जो भी खाने का पैसा होता है या जितना भी खाना होता है वो उनको देते जो लाचार अंगहीन अपंग होते हैं। और हम कहते हैं इससे बढ़िया व्रत कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। जो आपके पेट में भोजन नहीं गया वो उनके पेट में गया, और उनकी दुआएं आएंगी, वो फूड बैंक में चला जाता, और फूड बैंक वाले पूरा पूरा महीना जो आर्थिक तौर पर तंग हैं, अंगहीन अपंग हैं, उनको पूरे महीने का राशन देते, उसमें आपका भी हिस्सा होता है, तो बहुत फल मिलता है, बहुत खुशी मिलती है जी। तो प्यारे सत्संग जी, और लाइव मैसेज है, शास्त्राम जी बॉय स्कूल श्री गुरु सर मोड़िया, मेरे पिताजी आप जी की अच्छी सेहत की कामना करती हूँ। हमारे स्कूल के कुछ बच्चों स्टाफ सेवादारों ने उपवास रखा है जी, पौधारोपण भी किया है जी, व्रत खोलने के लिए आशीर्वाद चाहिए जी। जी तो आशीर्वाद आप जो भी यहाँ पे जिनके हैं वो भी खड़े होते जाए, और वहां वाले भी खड़े हो जाए। लाइव मैसेज, पहले पिताजी आप जी की अच्छी सेहत की कामना करती हूँ। आज विदेशों में शासक ने करवा चौथ का व्रत रखा है जी, व्रत खोलने के लिए शासक ने तरह तरह के पकवान वाह वेबकैम के सामने रखे हैं जी, प्रसाद बनाने के लिए अर्ज करते हैं जी। अभी रुको, देखेंगे हम कौन कौन से पकवान हैं, फिर ही प्रसाद बनाएंगे। शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल श्री गुरुसर मोड़िया लाइव में से, प्यारे पिताजी आप जी की अच्छी सेहत की कामना करते हैं। हमारे स्कूल के 209 बच्चों 29, अरे शोर मत करो भाई, शोर मत करो बेटा, अच्छी सेहत की कामना करते हैं। हमारे स्कूल के 209 बच्चे 29 टीचर 11 सेवादारों ने व्रत रखा है जी, कुछ ने निर्जल व्रत भी रखा है। सभी बच्चे साहब एक कैंसर के मरीज का अलावा, ये हुई ना बात, करवाने का प्रण करते हैं जी। बिस्कुट वे केले हैं, प्रसाद बना दो जी, चलो आपका तो ठीक है। शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल बुधनी लाइव मैच, प्यारे पिताजी आप जी की अच्छी सेहत की कामना करते हैं। हमारे स्कूल के 41 बच्चे 5 टीचर 5 सेवादारों ने उपवास रखा है, लंगर बिस्कुट टॉफियां प्रसाद बना दो जी, चलो ठीक है। शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल तारानगर, प्यारे पिताजी आप जी की अच्छी सेहत की कामना करते हैं। हमारे स्कूल के कुछ बच्चे स्टाफ ने निर्जीव व्रत का फ्रूट है प्रसाद बना दो जी, तो अभी इंतजार करो जी। अरे ये बीच में ये और ही कुछ दे गया, शोर मत करो, अब जिसका नाम लिया जाए उन्होंने खड़े होना होता है। अभी हमने किसी का नाम तो लिया ही नहीं, और ये अभी तक तो विदेशों का ही काम चल रहा था, ज्यादा भूख लगी है क्या? जी जी बैठिए बेटा, ये तेरे नाम का व्रत रख के यो
खुशी मेरे दिल में आई वो मैं दिखाऊं कैसे, जो खुशबू पूरा दिन मेरे रही वो कैसे दिखाऊं, जो तेरे नाम ने मदहोश किया वो मैं कैसे सुनाऊं। ढलती रात है बस एक ही कमी रहेगी, तू जो आज रात ना आया तो इन आंखों में नमी रहेगी। इस रस्म को बापू तुझे निभाना पड़ेगा, चाहे चांद में आ जाए सपनों में, बस रात को तुझे मिलने आना पड़ेगा। साहिल इन सब सास टोरंटो कनाडा। तो इन्होंने एक कार्ड भी बनाया है जी अपने हिसाब से, एक सुंदर सा आशीर्वाद। आशीर्वाद तो विदेशों वाले खड़े हैं अभी जो जिनकी लाइव मैसेज थी। सेंटर मैजिक ग्लोरिश इंटरनेशनल स्कूल बॉयज, प्यारे पापा जी आप जी की अच्छी सेहत में लंबी उम्र की कामना करते हो। सभी बच्चे स्टाफ शासन जी गिनेस वेलफेयर फोर्स बैंक की भलाई फंड में 7,770 रुपए जमा करवा चुके हैं। कुछ बच्चे स्टाफ ने व्रत रखा है जी, कुछ ने निर्जल व्रत भी रखा है जी। आप जी के चरणों में अर्ज करते कि आप जी का रहमत भरा आशीर्वाद सदा हम पर बनाए रखना जी। जी आशीर्वाद एक सुंदर सा कार्ड है जी, और खड़े हो जाएं जिनकी ये कार्ड है। सभी स्कूलों में जाते कभी हमारे स्कूल में आया करो, हम भी तो आपके बच्चे, हमें भी कोई पढ़ने पढ़ाने की टिप्स दे जाया करो। पिताजी आप जी की अच्छी सेहत की कामना करते। शास्त्र जी प्राइमरी सेवादारों के स्कूल के बच्चे स्टाफ वास रखा है, कुछ ने निर्जल वास भी रखा है, और ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के भलाई फंड में 11,000 रुपए जमा करवा दिए हैं जी। और एक कार्ड भी इन्होंने सुंदर सा अपने हिसाब से बनाया है जी, तो ये भी खड़े हो जाएं। रखा है व्रत हम नन्हे मुन्नों ने, रहे मुस्कुरा सदा माही हमारा, हमने भी पीना है आपके हाथों से पानी, छलनी में देखे चेहरा तुम्हारा, ना मांगे कैंडी टॉफी बस रहे सलामत चॉकलेटी यार हमारा। सेंटर मैजिक ग्लोरिश इंटरनेशनल स्कूल गर्ल्स विंग के बच्चे व स्टाफ के कुल 105 दशों ने आप जी की सलामती के लिए निर्जल उपवास रखा है, दिन की मदद के लिए 7,770 रुपए बैंक में जमा करवाए हैं जी। आशीर्वाद और एक सुंदर सा कार्ड भी इन बच्चों ने बनाया है। आपसे दुनिया का हर नजारा है, आप हैं तो हर लम्हा हंसी हमारा है, हर पल हर लम्हा आपको याद करते हैं, रहो सलामत आप सदा यही फरियाद करते हैं। शास्त्र जी गर्ल स्कूल सिरसा के सभी बच्चों ने आज आप जी की व्रत रखा है, सभी ने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई, इस खुशी में दिन दुखियों की मदद के लिए सभी बच्चे टीचर प्रिंसिपल 7,770 रुपए जमा करवा चुके हैं। ये बहुत बढ़िया काम बच्चों ने किए, सारे स्कूलों के कर रहे हैं जो दिन दुखियों की मदद के लिए इस दिन ये कर रहे हैं। बहुत सुंदर सा कार्ड भी बनाया और सारी दुनिया एक पासे मेरा सतगुरु प्यारा एक पासे। शास्त्राम जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट सिरसा के बच्चे व स्टाफ पूजे पिताजी अच्छी सेहत की कामना करते हुए 7,770 रुपए शास्त्राम जी वेलफेयर फोर्स विंग में जमा करवा चुके हैं जी। खड़े हो जाएं, इन्होंने भी एक सुंदर सा कार्ड बनाया है जी। आशीर्वाद शोर ना करो बेटा, बच्चियां ने रखिया अज व्रत, खुश हो गया चांद मैनू देख के खोलणगे ते ओदी बदलगी तोरे, असी देख के जदों पापा नू व्रत खोल लेना फिर रहूगा चांद, वो इन्हां दा चांद तां कोई होर है। शासन जी गर्ल्स कॉलेज के 527 स्टाफ बच्चे सेवादार एक स्टूडेंट ने आज आप जी के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, कुछ ने निर्जल व्रत रखा है जी। आप जी की अच्छी सेहत के लिए 10,000 रुपए बैंक में जमा करवा चुके हैं, कुछ एक्स स्टूडेंट भी ऑनलाइन में बैठे हैं। और एक सुंदर सा कार्ड भी इन बच्चों ने, बहुत ही अच्छा और सुंदर कार्ड एक बनाया है इन बच्चों ने, दोनों तरफ अपने अंदाज से। खड़े हो जाएं। ख्वाबों ख्यालों में तू ही बसे, सदा सलामत रहे मेरा सुहाग जी, पति वरता रहूं मैं हरदम, चुनरी पर लगे न कोई दाग जी। ब्लॉक वाटर लाइन के 605 बच्चों वे 101 स्टाफ मेंबरों ने आप जी की लंबी उम्र की कामना करते हुए आज व्रत रखा है जी। सभी बच्चे स्टाफ दिन की मदद के लिए बैंक में 21,500 रुपए जमा करवा चुके हैं जी। सभी आप जी का पावन आशीर्वाद, इन्होंने भी एक सुंदर कार्ड बनाया है जी। खड़े हो जाएं बेटा। आशीर्वाद आशीर्वाद। अभी खड़े रहिएगा, शोर ना करें। कांटों भरी जिंदगी से आजाद करे गुलशन शाही बेटियां बसेरा बनाए, बहुत ही कर्जदार है हम अपने पापा जान के जिन्होंने दी हमें दुनिया की हर खुशी, चाहते हैं देखना हर पल उनके मीठे लबों पर मुस्कान व हंसी, पल पल खैर मांगती हैं हम अपने पापा खुदा की, पापा ही हमारी जिंदगी जान और पापा जी ही सबसे बड़ी खुशी। आप जी की शाही बेटियों ने आप जी की अच्छी सेहत
की कामना करती उपवास रखा है जी, कुछ ने निर्जल उपवास रखा है जी। आप जी के पितृ चरण कमलों में अरदास है कि आप जी के पितरों में चलते हुए आप जी का नाम रोशन करें। शाबाश बच्चों, बहुत ही अच्छी बात, और एक सुंदर सा कार्ड भी इन बच्चों ने बनाया है। तू की शक्कर दी चूरी चूरी, तू हलवा सूजी द मेरे छोले पूरी। आप जी के शाही आस्था आश्रम के 30 बच्चों ने निर्जल व्रत रखा है। आप जी से यही अर्ज करते हैं आप जी के वचनों पर अमल करते हुए आप जी का नाम रोशन करें, आगे बढ़ते जाएं। एलो भी कर लो जी, एचओ जी भर लो जी, और एक सुंदर सा कार्ड। शाबाश बच्चों, बहुत ही बढ़िया बात, इन बच्चों ने भी एक सुंदर सा कार्ड बनाया है, बहुत आशीर्वाद। तेरे नाम की मेहंदी और मांग में सिंदूर लगाया, तेरी सलामती की दुआ कर करवा चौथ मनाया, रहे सदा सुहागन हम यही, इल्तजा है तुमसे शास्त्र राम जी की रहमत से आप सब जीवन साथी पाए। पूज्य पिताजी, आप जी को अपना सुहाग मानते हुए आप जी के गुरु ब्रह्मचारी बेटों ने आप जी की अच्छी सेहत की कामना करते हुए आज करवा चौथ का निर्जल व्रत रखा है और भलाई फंड में 5100 रुपए जमा करवाए हैं, आप जी के चरणों में ओढ़ने बिछाए जी, बहुत अच्छा आशीर्वाद बेटा, और एक सुंदर सा कार्ड भी इन बच्चों ने बनाया है। तू ही हम सबके दिल की धड़कन और सांसें तमाम, तू ही हार श्रृंगार मेरा, तू ही नौलखा हार, नहीं है कोई खुशकिस्मत हमसा, जो सजाए चूड़ियां मेहंदी सिंदूर सतगुर के नाम, लग जाए हम सबकी उम्र भी आपको, बस यही चाहत तेरे नाम। आप जी की गुरु ब्रह्मचारी बेटी ने आप जी की अच्छी सेहत की कामना करते हुए निर्जल उपवास रखा है, इसी उपलक्ष्य में 1770 रुपए जमा करवा दिए हैं, और आप जी की 3 गुरु ब्रह्मचारी बेटियों के 5 साल में 2 गुरु ब्रह्मचारी बेटे के 2 साल गुरु ब्रह्मचार्य में पूरे होने की खुशी में 5,000 अलग से दीन दुखी मध्य बैंक में जमा करवाए हैं जी। सेवा सेवन प्रमाण करते आप जी के चरण में ओढ़ने भी जाए, और एक सुंदर सा कार्ड भी इन बच्चों ने बनाया है। गुलकंद मिठी गुलकंद ने मेरा माही अड़ियो, सतनाम के नी सारी दुनिया मेरा जो माही अड़ियो, क्यों शक्कर दी चूरी सूजी दा हलवा तू मेरे छोले पूरी। प्यारे पिताजी, आप जी की अच्छी सेहत की कामना करते हुए आप जी की सभी सतरोमचारी बेटियों ने व्रत रखा है जी, और फ्री ग्रहण देने के लिए 9,000 रुपए बैंक में जमा करवा दिए। हमारी आप जी के चरण कमलों में अर्ज की सेवा सुमन करती हूँ, आप जी के चरणों में ओढ़ने भी जाए जी, और बहुत अच्छा जी, और एक सुंदर सा कार्ड भी इन बच्चों ने बनाया, खड़े हो जाए। ईद का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। आप जी की अच्छी सेहत की कामना करते हुए आप जी की सतरोमचारी बेटे 13,313 रुपए जिंदगी मध्य बैंक में जमा करवा चुके हैं, और एक सुंदर सा कार्ड बनाया, तो आप लोग भी खड़े हो जाएं भाई, आशीर्वाद। पिया प्रेम व्रत है राखो, उत्सव पावन आयो रे, चरण पिया के लगाकर माथो, आशीर्वाद थारो पायो रे, देख के थारो सुंदर मुखड़ो, करवा चौथ मनायो रे। करवा चौथ के उत्सव पर आज शास्त्र स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर स्टाफ ने दिंदु के मध्य बैंक में 11,000 रुपए जमा करवा दिए। आप जी की सेहत की कामना करते हुए कुछ ने व्रत भी रखा है, अपने पीर की सदा सुहागन बने रहे हम यही कामना दिलो दिमाग में संजोई है। आप जी को करवा चौथ की बधाई हो, एक सुंदर सा कार्ड भी इन बच्चों ने खूबसूरत बनाया है, एक सुंदर सा कार्ड जी, आशीर्वाद, खड़े हो जाए। और प्यारे सत्संग जियो, जो भी दीन दुखियों के मद के लिए तन मन धन से आप लोग आगे आते हैं, मालिक बेहद खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे, और जो भी आज व्रत रखा है, जैसा आपको बोला कि व्रत खोलना कैसे होता है और कैसे आप उस व्रत का दीन दुखियों तक अपना पैसा या खाना पहुंचाते हैं, तो ये बहुत 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 बड़ी बात है। सो सबके घरों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े, मालिक रहमो करम से नवाजे, और वाकई रूहानियत में पतिव्रता आपको मालिक जरूर बनाए, उस अल्लाह मालिक सतगुरु मौला की खुशी दे, बचनों पे आप पक्के रहें, तो अंदर बाहर कोई कमी ना छोड़े, बरकत दे मालिक, ये मालिक से दुआ है। और जब भी आपका समय है, जब भी आपको दिल करे, आप नारा लगा के अपना व्रत खोल सकते हैं, और प्रसाद जैसा आपको बोला, हल्का फुल्का प्रसाद तो पूरा बन गया, और ये जो पकवान है जो ऑनलाइन है वो भी दिखाओ भाई, कौन से पकवान बनाए बैठे। तो जो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा काम है वो तो रहने दो, हल्का फुल्का अगर जो खाना चाहते वो सारा ही प्रसाद बन गया, और आपको खुशी दे, सेवा सुन में मन लगाए, मालिक से प्यार बढ़ाए। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाइए, आशीर्वाद।
जी भट जी, सबको बहुत आशीर्वाद, मालिक खुश से नवाजी। और आप नारा लगा के जब आप चाहें आप अपना बर्थ खोल सकते हैं। और ये कार्ड इधर बैनर लाए हैं बच्चे बॉय स्कूल वाले, शास्त नाम पिया मोरी रंग दो चुनरिया, मैंने हाथों में मेहंदी लगा ली है। जी बहुत अच्छा बैनर से। और दुनिया की नजर में चांद तो चमकता है आसमान पर, हमारे पापा चांद का नूर बरसता है दोनों जहान पर, इस चांद का मुकाबला क्या होगा उस चांद क्या। लोग रखते हैं व्रत उनके लिए जो सिर्फ उनका ही सुहाग है, और हम रखते हैं व्रत हमारे पापा के लिए जो हमारे ही नहीं दोनों जहान के सुहाग। जी तो दोनों तरफ सुंदर बैनर इन बच्चों ने बनाए हैं, खूबसूरत बैनर बना रखे हैं। ये एक छोटे छोटे शहर लेके बैठ गए, ये पता नहीं किसने बनाया है, बैठ गए भाई, अब उठा ही नहीं जा रहा, शायद उलझ गए उस बैनर में। तो ये मैंने हाथों में मेहंदी लगा ली है, आजा देर ना कर माही, आजा देर ना कर माही। जी तो खूबसूरत आपने बैनर सबने बनाया, बैठ जाए बेटा, पढ़ दिया हमने। सो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और करवा चौथ का व्रत बुरा नहीं, अच्छा है, प्यार मोहब्बत की निशानी है, लेकिन उसको सही ढंग से किया जाए और सही तरीके से अगर रखा जाए तो अच्छी बात है। और रूहानियत में अगर ऐसा रखते हैं आप जैसे हफ्ते के हफ्ते, तो वो भी आपका करवा चौथ ही होता है। अपने पीरो मुर्शिदे कामिल अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु के लिए रखते हैं, उसकी भी खुशियां ऐसे ही मिलती रहती हैं और हमेशा मिलती चली जाती हैं। सो मालिक भी इंतहा खुशियां बख्शे, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद जी। तो आप अपने हिसाब से बर्थ खोल सकते हैं जी, नारा लगा के। शास्त्रम जी बॉयज स्कूल सरसा हैंडबॉल अंडर 19 टीम ने सीबीएसई नॉर्थ जोन में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। योगा कोच इलमचंद इंसा, खिलाड़ियों ने स्टेट व नेशनल योगा चैंपियनशिप खेलने जाना है। तैराकी के 10 खिलाड़ियों ने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलने जाना है। शास्त्रम जी गर्ल्स स्कूल सरसा हैंडबॉल के खिलाड़ियों ने सीबीएसई नॉर्थ जोन में पहला स्थान प्राप्त किया है। एक खिलाड़ी ने सब जूनियर नेशनल में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। जूडो के खिलाड़ियों ने सीबीएसई नॉर्थ जोन में 7 गोल्ड 5 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते, ओवरऑल ट्रॉफी भी जीती है। शास्त्रम जी गर्ल्स स्कूल और कॉलेज सरसा जूडो के खिलाड़ियों ने यूनियन स्टेट खेलने जाना है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, जो खेल के आए हो जीत के आए हो सबको बहुत आशीर्वाद। और आगे बढ़ो, प्रशाद लेना बचनों पे रहती हो और आगे बढ़ो, और जो खेलने जा रहे हैं बचनों पे रहना, सुमण करना मालिक साथ है, नारा लगा के बैठ जाओ। प्रशाद सबने लेना है, जिन्होंने भी दिन दुखी मध्य में आगे आए हैं सबने लेना, और बच्चों आप बने भी। घर जाने वाले सेवादार शाही कैंटीन के 275 बहन भाई, और ये शास्त्रम जी गर्ल्स स्कूल कॉलेज के जूडो के भी खिलाड़ी थे, तो उनको भी आशीर्वाद भाई, वो जो खिलाड़ी थे वो भी प्रसाद लेना, सुमाले खुशी दे। तो बेटा जितनी सेवा की सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मिले, घरों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े, मालिक रहमो करम से नवाजे, सो प्रसाद लेना और सबको के नाम देने आशीर्वाद भेजे, सो जोर से नारा लगा के बैठ जाओ। और कई बुजुर्गों ने थालियां ले रखी हैं, खूबसूरत है मंजर, लेकिन जरूर ख्याल रखिए कि दूसरे की चुनरी में आग ना लगा देना। हाँ ये जरूर ध्यान रखना, अपना संभाल के रखना भाई, उड़ते टाइम या ऐसा, या तो आप बुझा के अपने पास रख लेना, निशानी बन गई। तो जिनके परिवार में किसी ने चुवा छोड़ा, 3 परिवार आए हैं जी, सभी का नाम लिया था। एक का शरीरदान, शरीरदान महादान, 2 की आंखें दान, आंखें दान महादान। परिवार दोनों तरफ है, नोइया वाली सरसा, रत्ताखेड़ा फतेहाबाद, सुख चैन कॉलोनी सरसा। सो परिवार दोनों तरफ है, नाम रिकॉर्ड में चढ़ के खड़े हो जाएंगे। तो बेटा जिसने नाम लिया था वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के जयंत ने धाम सचगढ़ सतरो ग्राम में जरूर जाते, अस्थियां फूल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है गहरा गड्ढा खुद के वहां तो बाद हो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो, ये तो मिट्टी आत्मा की संभाल मालिक जयंत जरूर करते हैं। सो प्रसाद ले लो, जो जख्म देता मरहम जरूर देगा, प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना है। तो जो भी सत्संग आश्रम में सत्संग में चल के आई, आप सबको धारने करते हैं, दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयनो शाम दिन कहते हैं मोस्ट वेलकम। बस थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सजे रहिएगा, उसके बाद जैसा आपका विचार जाने का, समय साधन के मुताबिक आप जा सकते, रहने का जैसे सेवादार भाई बताए रहना, सेवा करना आराम करना है, पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सजे रहिएगा जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी। कल सुबह की मजलिस श्याम अस्ताना जी धाम में होगी जी।